हेलो केंजल्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हैं और मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसे मैं बता दूं, मैं हूं कविता और यह है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया कविस वंडरलैंड, जहां ज़्यादातर मैं अपने आउटफिट खुद क्रिएट करती हूं और आपके साथ शेयर करती हूं मेरे परफेक्टली इम्परफेक्ट तरीके से। सीधे सीधे बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बड़ा है इजी पीजी सा टॉप, लाइक क्रॉप टॉप। और वैसे भी क्रॉप टॉप और हाई वेस्टेड जींस की आजकल फैशन ट्रेंड में है, तो ये टॉप आपके जींस की शान बढ़ाने वाला है। तो इस टॉप की खास बात है उसकी स्लीव्स। आपको स्लीव्स को अलग से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर उसे अलग से कट नहीं करेंगे तो उसे अलग से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पैटर्न के साथ ही स्लीव्स को इन बिल्ट कट कर लूँगी। डू यू हैव एनी आइडिया कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ? ठीक है, पहले ये कुछ फोटोज़ देख ले, शायद आपको आइडिया आ जाए। तो यही वो सारी पैटर्न है जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ। यस, तो आज का प्रोजेक्ट है किमोनो स्लीव्स क्रॉप टॉप, जो पहनने में है सुपर कंफर्टेबल और बनाने में सुपर इजी। तो इस टॉप को बनाने के लिए चाहिए आपको 2 मीटर फैब्रिक। एक्चुअली मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था, लेकिन फिर नेक वगैरह बनाने के लिए मुझे थोड़ी कश्मकश करनी पड़ी थी, तो इसीलिए 2 मीटर फैब्रिक और मैंने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। और क्योंकि इस पैटर्न को मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं उसे पहले पेपर पर कट करूँगी और फिर उसके बाद फैब्रिक पर करूँगी। अगर आप कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंट है तो उसे डायरेक्ट फैब्रिक पर कट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ओके, आगे बढ़े उससे पहले एक बार, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स। तो उसके लिए आपको आपके नेक का जो मिड पॉइंट है वहाँ से लेकर स्लीव्स की जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं वहाँ तक मेजर कर लें, कुछ इस तरीके से, और उसे हॉरिजॉन्टली मार्क कर लें। देन अपनी टॉप की जो भी लेंथ आप रखना चाहते हैं उसे मार्क कर लें। मैंने यहाँ 20.5 इंच रखा था, लेकिन देन मैंने 2 इंच और ऐड कर लिया। अब अपनी वेस्ट लाइन में 1/2 इंच ऐड कर उसे मार्क करें, एंड देन इन सभी लाइन को ड्रॉ कर हमें एक बॉक्स को क्रिएट करना है। अब नेक की विड्थ को मार्क करें। अब इस लाइन की स्टार्टिंग से हमें 3 इंच डाउन मार्क करना है, और वहां से फिर हमें 10 इंच डाउन मार्क करना है। तो अब हमें इस नेक पॉइंट को स्लीव्स के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर लेना है, और अब नेक की लंबाई को 2.5 इंच पर मार्क करें। ये बैक नेक की लेंथ है, फ्रंट नेक की लेंथ आप जितनी भी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। अब हमें वेस्ट लाइन में अपने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करना है, और फिर उसमें 3 इंच ऐड करना है, और फिर उसे मार्क कर लेना है। और अब हमें इस पॉइंट को स्लीव्स के एंड पॉइंट पर कनेक्ट करना है। अब वेस्ट लाइन से नीचे सीधी लाइन ड्रॉ कर ले, कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से हल्का सा राउंड दे दें। तो अब हमारी फ्रंट पैटर्न बनकर तैयार हो चुकी है, अब उसे कट कर लेना है। और अब हम बनाएंगे बैक पैटर्न। उसके लिए आपको जो शोल्डर लाइन है वहाँ से ऊपर करीब 2 सेंटीमीटर तक ऐड कर उसे एक्सटेंड करना है, बस इतना ही करना है, और हमारी बैक पैटर्न तैयार है। तो जब इस रैप को हम फोल्ड करेंगे तो वो हमारी फ्रंट पैटर्न होगी, और जब उसे खोलेंगे तो वो हमारी बैक पैटर्न होगी। तो अब बारी है पैटर्न को फैब्रिक पर कट करने की। तो सबसे पहले हम बैक पैटर्न को कट करेंगे। क्योंकि हमारी फैब्रिक का विड्थ थोड़ा कम है, तो इसीलिए हम बाद में बाकी बचे फैब्रिक से उस स्लीव्स को एक्सटेंड कर लेंगे।
अब बाकी पैटर्न को कट कर लें। तो फ्रंट पैटर्न के लिए उस स्टेप को हमें फोल्ड करना है और उसके बाद हमें फ्रंट पैटर्न को कट करना है। अब हम जो बाकी बचा फैब्रिक है उसे फोर फोल्ड करेंगे और एक साथ बैक और फ्रंट पैटर्न की स्लीव्स को एक्सटेंड करेंगे। तो अब बारी है स्टिचिंग की, तो उसके लिए हमने जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा पार्ट कट किया था उसे कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हमें बैक पैटर्न के लिए भी करना है। अब आप नेक की जो भी शेप बनाना चाहते हैं उसे क्रिएट कर लें और टॉप की राइट साइड पर उसे इस तरीके से प्लेस कर लें और फिर उसे स्टिच कर लें। नेक को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें और फिर राउंड और कोने पर कट लगा लें ताकि हमें उसे फ्लिप करने में आसानी हो। और अब हमें नेक को फ्लिप कर लेना है। अब नेक को फ्लिप करने के बाद स्टिच लगा लें। अब फ्रंट साइड के शोल्डर को बैक साइड के शोल्डर से स्टिच कर लें। तो यहां मैंने बैक नेक को एग्जैक्टली फ्रंट नेक की तरह ही स्टिच कर लिया है। तो अब साइड सेम को स्टिच कर लें एंड देन बॉटम हेम्स को भी स्टिच कर लें। तो यहां मैंने स्लीव्स के एंड पर टू लूज स्टिच लगा ली है। तो अब हमें उस थ्रेड को खींच कर अच्छे से गैदर क्रिएट कर लेना है। और बिल्कुल वैसा ही हमें दूसरे स्लीव्स पर भी अप्लाई करना है। अब हमें दो बेल्ट को क्रिएट करना है जो हमारे स्लीव्स के एंड में लगेगी, जिसकी विड्थ होगी 4 इंच और लंबाई होगी 11 इंच। अब उसे 2 फोल्ड कर हमें स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमने स्लीव्स का जो गैदर बनाया था उसे इस बेल्ट के अंदर कुछ इस तरीके से सेट करना है। और फिर हमें इसे स्टिच कर लेना है। उसके बाद उस बेल्ट को हमें सीधा कर लेना है और फिर उसे अंदर की साइड आधा फोल्ड कर लेना है और फिर हमें उसे स्टिच कर लेना है। तो देखा कितना इजी था। तो टॉप हमारा बनकर रेडी हो चुका है और अब बारी है उसे ट्राई करने की। Yeah.
Bye.